अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर थ्री फर्स्ट ईयर फिजिक्स, एंड द चैप्टर नेम इज़ मोशन। सो हेयर कम्स फॉर क्वेश्चन नंबर वन। इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट, एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10^3 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एक टेलीविजन सेट में इलेक्ट्रॉन गन है और एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड इलेक्ट्रॉन की दी हुई है 10^3 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स अ रीजन वेयर इट इज़ इलेक्ट्रिकली एक्सीलरेटेड, इट इमर्ज आउट ऑफ दिस रीजन आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड। ये टाइम दिया हुआ है, 1 माइक्रोसेकेंड बाद वो बाहर आता है, माइक्रोसेकेंड। अब माइक्रोसेकेंड को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसका फॉर्मूला है, इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें 10^-6 से, ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड्स में विद ए स्पीड ऑफ 4×10^5 मीटर पर सेकंड। ये दी हुई है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ 4×10^5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन? लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉन गन का कितना डिस्टेंस था, और कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकालना है स्टूडेंट्स। बहुत इजी सवाल है ये। अब देखते हैं एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से निकलेगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की ज़रूरत पहले पड़ेगी। सॉल्यूशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का अपना फॉर्मूला है Vf-Vi/T। ठीक है स्टूडेंट्स, Vf भी पता है, Vi भी पता है, T भी पता है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। Vf की जगह आएगा 4×10^5 माइनस Vi की जगह आएगा 10^3। ठीक है स्टूडेंट्स, T की जगह आएगा 1×10^-6। अब ऊपर दो टर्म्स हैं, एक्सप्रेशन है, एक ये, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 10^3। अंदर क्या रह गया स्टूडेंट्स? अंदर रह गया 4×10^2, क्योंकि 5 था, 3 बाहर चला गया, 2 रह गया, माइनस ये पूरा ही बाहर चला गया, इसकी जगह 1 रह गया। नीचे एज इट इज़ 1×10^-6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 10^3 का मतलब होता है 1000, बल्कि 10^3 रहने हैं अभी फ़िलहाल। 4×10^2, 10^2 का मतलब 100, एंड 100×4 माइनस 1, और नीचे एज इट इज 10^3 एज इट इज 400 माइनस 1 अपॉन 1×10^-6। अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स? 10^3 एज इट इज, दिस बिकम्स 400 माइनस 1 399 अपॉन 1×10^-6। अब ये माइनस 6 है, ऊपर जाके प्लस 6 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 10^3+6×399, एंड इसको सीधा करके लिख लें 399×10^9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आ गया आपके पास एक्सीलरेशन। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस किस फॉर्मूले से निकालें? बहुत आसान है, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, दोनों से आ जाएगा। सॉल्यूशन फॉर एस, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ, 2As इज इक्वल्स टू Vf²-Vi²। 2 एज इट इज, A की जगह 399×10^9, S एज इट इज Vf². Vf क्या है? 4×10^5² माइनस Vi क्या है? इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैलकुलेटर से। 399×2, दिस बिकम 798×10^9, S इसका स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर लेते हैं, 4×10^5 का स्क्वायर
1.6 10 रेस टू द पावर 11 माइनस इसका स्क्वायर ले लें 10 रेस टू द पावर 3 2 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से आप ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इसमें से कॉमन 10 रेस टू द पावर 11 है, 10 रेस टू द पावर 6 है, इसमें से कॉमन आ जाएगा 10 रेस टू द पावर 6, अंदर रह गया 1.6 10 रेस टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 रेस टू द पावर एज इट इज 6 एज इट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर 5, इसको अगर खोलना चाहें तो खोल लें 50 एंड माइनस 1। वन पॉइंट सिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम, वन लैख 60,000। माइनस वन माइनस वन करें इसको, अब सॉल्व कैसे होगा स्टूडेंट्स, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करें, इसको मैं सही से लिख देता हूँ 159999 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर 6 798 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर 9, इसको डिवाइड करें 798 से तो ये आ रहा है आंसर 200.569, ऊपर जाके माइनस तो 2005 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर माइनस 3। तो पॉइंट यहाँ है, पॉइंट हमें अगर दो पॉइंट पीछे चाहिए तो दो दफ़ा पीछे चले 2005 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर, पीछे गए तो प्लस होगा माइनस 1, यह आपका आ गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा मीटर में होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड व्हेन इट टर्न्स ग्रीन द कार स्टार्ट्स अहेड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्रैफिक सिग्नल पर कार रुकी हुई थी, जब कोई भी गाड़ी या कोई भी बॉडी रुकी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकंड होती है, और जब ग्रीन लाइट जली तो कार स्टार्ट्स अहेड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। कार कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रैवल करना शुरू हुई। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे बस कांस्टेंट स्पीड के साथ जो कि 10 मीटर पर सेकंड की है ओवरटेक करती है गाड़ी को और पास कर लेती है गाड़ी को। अब क्या करना है, हाउ फार बियॉन्ड इज स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस। स्टूडेंट्स, जहाँ ये दोनों खड़े हुए थे ना, जो सिग्नल पे ये दोनों खड़े हुए थे, सही है, अब कितनी दूर जाके कार बस को ओवरटेक करेगी, सही है, बस ने तो कार को ओवरटेक कर लिया था पहले, अब ये कह रहे हैं कितनी दूर जाके, तो इसका मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एंड हाउ फास्ट विद द कार बी मूविंग, और उस दौरान कार की वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कार का अलग डेटा बनाते हैं और बस का अलग डेटा बनाते हैं। कार का डेटा में आएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगा, एक्सीलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बस की कांस्टेंट स्पीड है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम निकालना है क्या है, हाउ फार इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द बस, डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स, एंड हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, फाइनल वेलोसिटी निकालना है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। स्टूडेंट्स, अक्सर ज़्यादातर जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करते हैं मोशन की, बाई यूजिंग इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या है, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s एज इट इज़, वी आई की जगह 0, t की जगह आएगा स्टूडेंट्स t
प्लस हाफ ए, ए की जगह आएगा टू टी स्क्वायर टी एज इट इज़, ये टू से टू कैंसिल, ये ज़ीरो हो गया, खाली बचा टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गए इक्वेशन नंबर वन। सही है स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी कार की इक्वेशन। अब बात करते हैं बस की। बस चूँकि कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, कांस्टेंट स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है फॉर बस, बस के लिए v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, सिंपल फार्मूला कांस्टेंट स्पीड के लिए, वेलोसिटी की जगह 10, डिस्टेंस एज इट इज़, t एज इट इज़, s t यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम्स s इज इक्वल्स टू 10t। ये बन गए स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर टू। और इक्वेशन नंबर टू किसकी बनी है? बस की इक्वेशन बनी है। अब क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को, सही है, या इस t स्क्वायर की s की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। s की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, s की वैल्यू आई है 10t। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस s की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन है, पुट इक्वेशन टू इन वन। वन क्या है, s इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, अब s की जगह आ जाएगा 10t, तो दिस बिकम्स 10t टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल होगा, तो दिस बिकम्स 10 इज इक्वल्स टू टी और टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, यह आ गया टाइम। अब क्या करें, इस टाइम को इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दें, डिस्टेंस मालूम करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू क्या है, एस इज इक्वल्स टू 10 टी। ठीक है स्टूडेंट्स, s इज इक्वल्स टू 10t और s एज इट इज, 10 एज इट इज और t की जगह भी 10, s इज इक्वल्स टू 100 मीटर। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स एक और मेथड है इसको करने का, वो आसान मेथड है, उससे कर लें आप। ये एक मेथड था डिस्टेंस निकालने का। दूसरा मेथड क्या है, ये इक्वेशन वन का लेफ्ट हैंड s है, इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड s है, तो दोनों को कंपेयर करवाते हैं। कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, जब कंपेयर कराएंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10t आ जाएगा, एक t से एक t कैंसिल, t इज इक्वल्स टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 10 सेकंड्स। अब इसी को आप या तो इक्वेशन वन में पुट कर दें या तो इक्वेशन टू में पुट कर दें। अगर मैं वन में पुट करूँ, पुट इन वन टी, एस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 100 मीटर आ गया। अब निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी मालूम होगी सॉल्यूशन फॉर वी एफ। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ एज इट इज, वी आई की जगह 0, ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए की जगह 2 और टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह 10, तो 10 टू ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी फाइनल स्पीड ऑफ कार।